बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ गुलशन, गुलशन खाना खजाना में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, रगड़ा पेटिस चाट। रगड़ा पेटिस चाट मुंबई की स्ट्रीट फूड है। तो इसके लिए हमने लिया है 5 पीस आलू, ये बड़े साइज़ का आलू है, इसे हमने बॉयल कर लिया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी रमज़ान चल रहा है और ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, इसे अफ्तार के वक्त आप बना के सर्व करें, ये बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 5 पीस आलू को बॉईल कर लिया है, ये करीब 500 ग्राम का लगभग है। और आलू को हमने अच्छे से पील कर लिया है और इसे हमें जो है इस तरह से मैश कर लेना है। आलू को बहुत अच्छे से हम मैश करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने यहाँ पे आलू को बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। ध्यान रहे कि इसमें दाना नहीं हो, आलू में जो गुठली बनती है वो गुठली ना हो, बहुत अच्छे से हमें इसे मैश करना है। तो अब मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ जिससे हमारा जो पेटिस है वो बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा, बहुत टेस्टी। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। और ये मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है, बहुत तेज़ है। और ये मैं ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, आप अपने हिसाब से डालें, आपको जितना तीखा पसंद है। ये मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। और यहाँ मैंने लिया है हरा धनिया थोड़ा सा। और अब हमें इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है, हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आलू को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और आलू जो है ये थोड़ा सा हमें गीला लग रहा है, ये देखें। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून अरारोट, भर भर के नहीं लेना है हमें, बस इस तरह से लेना है। 2 से 3 टेबल स्पून अरारोट लेंगे हम और उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिला देना है। ये आलू जो है हमारा फिर थोड़ा ड्राई हो जाएगा और हमें इसे तलने में बहुत आसानी होगी। आपके पास अगर कॉर्नफ्लावर है या फिर अरारोट है तो आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसमें कॉर्नफ्लावर या अरारोट डालने से क्या होता है कि आपके आलू में जो भी नमी है वो नमी भी ख़त्म हो जाती है, ये ड्राइनेस पर आ जाता है ये आलू, और हमारा जो टिक्का बनकर तैयार होता है पेटिस, वो पेटिस जो है बहुत ही अच्छी कुरकुरी सी बनकर तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है हाथ में, रिफाइंड ऑयल, और ये देखें हमें इस तरह से इसे गोल शेप देना है, ये देखिए इस तरह से हम कबाब की शेप देते जाएंगे इसे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम इसकी शेप दे देंगे, ये इतनी मोटी है देखिए, और हम एक बर्तन में इसे रखते जाएंगे। अब हमें दूसरा पीस भी बिल्कुल इसी तरह से करना है, इस तरह से हाथों पर लेंगे हम, इस तरह से गोल करेंगे, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह हमें कबाब का सेफ इसे दे देना है और इसी तरह हम साइड में रखते जाएंगे। इसी तरह हमें सारा जो पेटिस है इसे बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारा पेटिस बनाकर तैयार कर लिया है, ये हमारा 12 पीस पेटिस बनकर तैयार हुआ है 1/2 केजी आलू में, 500 ग्राम आलू में, और 5 बड़े साइज़ के आलू थे हमारे पास। अब इसे हम लोग कर लेते हैं सिलो फ्राई। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। ये देखिए आ गई हूँ मैं अब पैन की तरफ,
तेल को हमें बहुत ही अच्छे से गरम कर लेना है। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है। इसे हम स्लो फ्राई ही करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे से गरम हो चुका है। एक एक करके हम इस ऑयल में ऐड करते जाएंगे फ्राई करने के लिए। फ्लेम हमारा मीडियम है। इस तरह से हम जगह बनाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। अभी हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, इसे टच नहीं करेंगे। 1 मिनट तक हमें सिक लेने देना है एक साइड में, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। तो फ्रेंड्स, 1 से 1.5 मिनट तक हमारा ये टिक्का जो है वो फ्राई हो चुका है। ये देखें, अब मैं इसे पलट रही हूँ। ये देखें, मैं इसे बहुत ही अच्छे से पलट चुकी हूँ। अब इस साइड भी अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा एक साइड फ्राई हो रहा है टिक्का जो है, और इसमें मैं अब ऐड करूँगी। वैसे ये है क्या, मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये है वाइट वाला मटर जो होता है, सूखा मटर। इसे मैंने लिया 250 ग्राम, और ये मटर को सोक करके मैंने रात भर रखा। उसके बाद नमक और हल्दी और 1 चुटकी सोडा डालकर मैंने इसे अच्छे से बॉयल कर लिया है। नमक हल्दी, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितने आपको टेस्ट पसंद है नमक के। और हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून डाल के इसे बॉयल कर लिया है अच्छे से, और 1 पिंच मैंने इसमें मीठा सोडा भी डाला है। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर चुकी हूँ हरा धनिया, और ये देखिए आप देख रहे होंगे ये बहुत ही अच्छे से गला हुआ है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, तो मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चुटकी के करीब गरम मसाला। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये देखिए, मटर की जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल इसी तरह रहेगी, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब चलिए चेक करते हैं हमारा पैटीज जो फ्राई हो रहा है उसका क्या हाल है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से गोल्डन फ्राई हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे क्रिस्पी फ्राई करना है। पलट पलट कर हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग हमारा पैटीज जो है वो फ्राई होकर तैयार है। बस इसे अब हम निकाल लेते हैं। ये बहुत ही अच्छे से पैटीज हमारा बिल्कुल क्रिस्पी तैयार है। ये देखें, तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी आधे फ्राई हुए हैं हमारे जो पेटिस है, और बाकी के मैं अब फ्राई करने जा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये कितना ज़्यादा करारा है। ये देखें, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये गर्म है, इसलिए मैं हाथ में उठा नहीं पा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी करारा बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो टिक्का है, ये जो हमारा पेटीज है, ये बनकर तैयार है, और ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि रगड़ा चाट कैसे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सर्व करने के लिए ले लिया है एक फ्रिज। अब मैं इसमें ये मटर जो मैंने गला के रखे हुए हैं, ये मटर मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखें, और अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ टिक्का। या फिर पैटीज कह लीजिए, इस टाइप से मैंने रख दिया है। तो पैटीज डालने के बाद मैं इसमें हल्का सा छिड़क रही हूँ काला नमक। ये देखें, और ये मैं इसमें हल्का सा छिड़क रही हूँ
चाट मसाला, ये मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें, और यहाँ पे मैं धनिया पत्ती और पुदीने की चटनी बिल्कुल पतला वाला, पतला सा ऐड कर रही हूँ, धनिया पत्ती और पुदीने की चटनी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर, बारीक चॉप किया हुआ प्याज। आप मेरे बताए हुए मेथड से बनाइएगा फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, और ये मैं ऊपर से काला नमक फिर से ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मुंबई स्ट्रीट फूड रगड़ा पेटिस चाट हमारा बनकर तैयार है, और ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आप इसे एक बार मेरे बताए हुए मेथड से ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो गुलशन खाना खजाना को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट्स करें फ्रेंड्स कि आपकी रगड़ा पेटिस चाट कैसे बनकर तैयार हुई है, मुझे ज़रूर बताएं। मेरी तो बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। मेरे चैनल को लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, दुआ में याद रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। और अब फ्रेंड्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये पापड़ी, ये देखिए, ये दो पीस पापड़ी मैं इस तरह से चूर कर दूँगी हाथों से। ये देखें, इस तरह से मैं चूर करके और डाल दूँगी। ये मेरा होममेड पापड़ी है, आप चाहें तो इसकी रेसिपी देख सकते हैं मेरे चैनल पर।